फिर आ गए। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस बारात वाला सीन जो है ना पूरा फाइनल हमारा निपट चुका है। हम लोग आ गए थे घर, अगले दिन आराम भी कर लिया हमने। आज है वलीमा यानी कि रिसेप्शन, तो कर रहे हैं सब उसकी तैयारी। दोबारा से हमारे घर के अंदर है ना बैग खुल चुके हैं, ये देखो मुन्या जी लगी है बैग समेटने में। जब से ये आई है 50 दफा बैग खुलो और बंद हो चुका है हमारे घर के अंदर। बार बार चेन खुलती है, बार बार बंद होती है। हिंदुस्तान के किसी भी ब्लॉक के अंदर है ना ये सीन नहीं दिखाए होंगे बैग खुले हुए। हाँ मेहमान इसी में तो फिसल फिसल के एंट्री होंगे वहाँ शादी हॉल के अंदर। काम को बढ़ाओ मत, काम को हल्का करो। मेकअप तो तुम्हारे 3-3 घंटे में होते हैं, सर में तेल उतारने में और 5 घंटे लगेंगे। ये काम मत बढ़ाओ, ये काम को इजी करके चलो। बाल में कह रहा हूँ गंजी हो जाओ चल के आज। बाल बनाने की टेंशन खत्म। हाँ मैं गंजा करा के लाऊ चल के। इधर चल रही है नाश्ते की तैयारी। हमारी मौलानी साहिबा जो है वो नाश्ता बना रही है। नाश्ता आज है ना हमने हल्का फुल्का रखा है, खाली बटर चिकन है नाश्ते में। फेन पापे बस है और मट्ठी है। ये कैसे अलग अलग जात वालों की चाय बनी है, इसमें अलग है उसमें अलग है? ये मीठी है। अच्छा ओहो, तो भाई मीठी फीकी और दूध। कैमरा यूँ चालू रखो, मैं कह रहा हूँ बिग बॉस कर रहे हैं कैमरे लगवा लूँ, कई बात हो जाती है ऐसी। मजाक के हमारे घर के अंदर हमारा कैमरा ही बंद रहता है। और गाइस देखो पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा बाहर का। देखो उबाल दिया दूध उबाल दिया, ये देखो बढ़ा दिया काम। मतलब जितना मैं चाह रहा हूँ तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ, उतने तुम औरतें मिले काम बढ़ा रही हो। पहले सरों पे तेल मल लिया फातिमा ने भी, इन्होंने भी, और इन्होंने देखो इन्होंने यहाँ पे दूध उबाल दिया। काम को बढ़ा लो। ये सुबह ही बता रही है, देखना गाइस 11 बज रहे, सुबह ही बता रही है, सुबह ही लग गए हम। फातिमा भाई इसका इस लेडीज का सिलमपुर नहीं निपट रहा, अल्लाह की कसम भाई। उनसे दुकान ठिए वालों से बात कर लो, मैं छत पे लगा लेंगे बाजार आके। वो भाई इसका सिलमपुर नहीं निपट रहा यार, देख तो लो जरा। जरूरी है, बनता है सिलमपुर जाना, जाने दे। तो चलो फिर सारी चल ले। तो तैयारी का सिलसिला जो है ना वो हल्के हल्के आगे बढ़ेगा। हमारी हानिया बच्ची यहाँ पे सो रही है, ये देखो। तुम्हें हम चैलेंज देते हैं गुप्ता जी, पाँच मिनट तैयार है, 3 बजे तक तैयार होकर दिखा दो, देख लो। चलो भी 5 लेडीज में आज सबसे पहले तैयार होकर दिखाएंगे। गुप्ता जी ने चैलेंज लिया है, वैसे इनके हिसाब से बहुत कीड़ा है क्योंकि सबसे ज्यादा लेट ये लगाती है लगी कसम, सबसे ज्यादा। ये तो बच्चों को भी ऐसे नहीं लाती है जैसे कुर्बानी से पहले बकरा नहीं लाते, ऐसे नहीं लाती है बच्चों को रगड़ रगड़ के। मैडम क्या कर रही हो? तो गए यहाँ दिन दिहाड़े हो रही है चोरी हमारे पर्स के अंदर, ये देखो जरा। अबे भैया सामान न लेगा, तुम्हारे सामान ही नहीं खत्म हो रहे भाई। इसका फातिमा को तो सिलमपुर खत्म नहीं हो रहा यार, सच में इसने थका दिया भाई हमें। तुम्हारी परेश निपट गई, निपट गई गुप्ता जी। ओफो जल्दी कर दो, जल्दी कर दो फटाफट। ये भी ये सिलमपुर जा रही है, ये सिलमपुर जा रही है मैडम। अरे भाई जल्दी आ जाना दुकानदार के पास, क्यों जाना और यूं वापस आ जाना। अच्छा मतलब सामान ना खरीदे वहाँ से, चलो जल्दी आ जाना फटाफट। लेके कौन जा रहा है? आहिर, लेके जा रहा आहिर बाबू, जल्दी जा सिलमपुर, जल्दी वापसी आ फटाफट, फिर हम चले मराद घर। प्रिंटेड जरूरी नहीं है, प्लेन हो तो ज्यादा अच्छा है। प्लेन पिंक या व्हाइट या सिल्वर में। तेल देखो कितना लगाया, हमारे माँ बाप ने कभी नहीं सिखाया कि शादी का प्रोग्राम हो और तेल लगा के बैठ जाओ सरों के अंदर। तो तेल लगाया मैं लेके चला। हमारी अम्मी तो सिलाई शुरू कर देती थी। हाँ सिलाई और धुलाई, अम्मी की दो ही चीज फेमस थी, जब भी कहीं जाने का हुआ सिलाई और धुलाई शुरू हो जाती थी अम्मी की। बच्चों की धुलाई नहीं, कपड़ों की धुलाई। कभी आप लोग सोचो हमारी धुलाई शुरू हो जाती थी। तो गाइस फाइनली ये वो जगह है जहाँ पर आज शाम में रिसेप्शन होने वाला है। देख कितनी प्यारी जगह है यार। अभी दोपहर का बज रहा है 1:30 और बिट्टूर में आ चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ना रैयान के कोट के ऊपर चल रही है कलाकारी, ये देखो
नग लगाए जा रहे हैं और लगा रही है मुन्नी बाजी और आप ही। आप ही बहुत ही छोटे आ गए नग ये। हाँ, है ना, बहुत छोटे आ गए। उसका काम मुन्निया जी उल्टे रख रही हो तुम? उल्टे रख रही। हाँ मुन्निया जी उल्टे सा रही है। ये भी चश्मा लगाना पड़ेगा अभी मुझे, थोड़े से बड़े आते आ रही है। अरे तो ये रही ना कोर्ट। गाइस पौने पाँच बज चुके हैं और हमारी फुप्पो कर रही हैं अपनी फुप्पो के यहाँ जाने की तैयारी। और गाइस लास्ट टाइम पे ना पानी भाग गया, जो कि फुप्पो का बहुत अजीज रिश्तेदार है। भाई पानी को इज्जत दो, पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। ठीक है गाइस, संडे का दिन लग चुका है। रात वाला हमारा वलीमे का प्रोग्राम है ना, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत मजा आया जाकर। मगर मुझे मालूम है कि आप लोग है ना मुझसे नाराज होंगे कि भाई हमें वलीमे का प्रोग्राम क्यों नहीं दिखा रहे। वो सब दिखाऊंगा आपको अगले ब्लॉग के अंदर। अभी है ना आपके भाई को बहुत ज्यादा थकान हो रही है, अभी भी आंखों में नींद भरी पड़ी है। मजा बहुत आया वलीमे में, वीडियो बहुत अच्छी बनी है, फोटो बहुत अच्छे खींचे। तो आपकी भाभी का तो यार जवाब नहीं, मतलब मजा बांध दिया। वो सब देखने के लिए मिलेगा आपको अगले ब्लॉग के अंदर। तो प्लीज मेरा अगला वाला ब्लॉग ना जरूर देखना, हमारे रिसेप्शन वाला वीडियो हमने बनाई है, बहुत अच्छे से करके बनाई है। जिन जिन लोगों को नहीं आना था वीडियो को, उन लोगों को बचा के हमने वीडियो बनाई है। तो बहुत मेहनत लगती है इन सब वीडियो को बनाने में, हमारी मेहनत के लिए प्लीज उस वीडियो पे जरूर लाइक करिएगा। इस पे मत करिए चाहे, इस पे भी कर दो यार, वीडियो पे हर वीडियो पे लाइक करा करो, क्योंकि हर वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत होती है। ठीक है, प्लीज मेरा अगला ब्लॉग जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। बने रहिए मेरे साथ अपनी नेक दुआओं को लेकर। अभी दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।